हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका सिंह परिहार अन्नपूर्णास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज़ी बर्गर आलू टिक्की की रेसिपी। जी हाँ, वो भी मैकडोनल्ड स्टाइल में। तो जो मैकडोनल्ड में आलू टिक्की मिलती है बर्गर में, तो वो टिक्की की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत खाने में स्वादिष्ट है और डिलीशियस और क्रंची है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू टिक्की की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। तो ये हमारी कढ़ाई गर्म होने पे आ गई है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मचे तेल डालेंगे। तो मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को, हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तो ये जीरे को भी हम भूंजने देते हैं। तो आप प्लेट में कुछ सामग्रियाँ देख रहे हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज, ये सब मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। अब जीरा हो गया है तो हम लहसुन डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच लहसुन है ये, तो हमें ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए फ्रेंड्स। और इसको हम रोस्ट करेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे, तो चिली आपके स्वाद के अनुसार है, आप तीखा पसंद कर सकते तो ज़्यादा ले सकते हैं, वरना 2 से 3 मिर्ची चलेगी। तो हम इसको रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। और अब हम हमारी प्याज डाल देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और अब हम इसे डाल देंगे। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे हम इसे भूनने देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रहने दीजिएगा। तो देखिए, ये हमारी प्याज भूंज रही है। अब आप एक प्लेट में ये सामग्री देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बॉयल मटर ली हुई है और ये कुछ पोटैटोज़ ले लिए हैं और एक कटोरी मैंने ये पोहा लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है कि पोहे को हमको स्टेनर में डाल के उसको 2 से 4 बार वॉश कर लेना है। पानी में भिगोना नहीं है, सिर्फ वॉश करना है। तो देखिए, वॉश करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपनी कढ़ाई भी देख लेते हैं जहाँ पर हमारा मसाला भुंज रहा है। तो ये देखिए, प्याज हमारी भुंज रही है। गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी है, तो उसको हम भुंजने देते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। तो मैंने बारीक लहसुन भी यूज़ किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये मैंने घर में बनाए हुए हैं। और हम मिक्स हर्ब्स डाल देंगे, जो कि मार्केट में ईजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मिक्स हर्ब्स यूज़ किए हैं। तो हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब हमारे कुछ मसाले और हैं जो कि हमें डालने हैं, तो चलिए हम वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्ट ले रही हूँ, तो ये आपके स्वाद अनुसार है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं हल्दी पाउडर लूँगी, तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है ये। रेड चिली पाउडर भी हमको स्वाद के अनुसार डालना है, आप कितना तीखा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा। और हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला मिक्स होने पे आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमको पोहा डाल देना है और हमारी जो बॉयल मटर थी वो डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा पोहा भी मिक्स हो गया हमारे मसाले में, तो आप देख सकते हैं। अब हम डाल देंगे हमारे आलू, हम हाथ से मैश करके डालते जाएंगे। तो ये देखिए, मैं आलू मैश करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो पहले से भी मैश करके डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये मिक्स हो गया हमारा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारा पाव भाजी मैशर जो होता है ना, हम वो लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पाव भाजी मैशर ले लिया है। इससे हमारी जितनी भी ये सामग्री है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और आलू के लम्स भी नहीं रहेंगे और अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है इसका। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे आलू मैश हो गए हैं ये, अब देखिए। तो इस तरीके से हमें मैश कर लेने हैं। यहाँ पर मैं चाट मसाला ले रही हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला है। और
आधी चम्मच हम लेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला ले रही हूँ, ये आधी चम्मच गरम मसाला है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा भरता भी तैयार हो गया है टिक्की का, क्योंकि ये ही मेन है, इसी से हमारे बर्गर में स्वाद आएगा। तो ये बनके तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, जब हमारा ये भरता ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे। तो अब ये बन गया है, इसको हम रख देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कुछ सामग्री ली है, एक कटोरी मैदा है और एक कटोरी कॉर्नफ्लोर। ये जो मिक्सचर है आप बराबर क्वांटिटी में लीजिएगा, क्योंकि ये बैटर बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि इसमें ही डिप करके हम अपनी टिक्की फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें बाउल में ले लिया है। अब मैं यहाँ पे सॉल्ट ले लूँगी, तो ये स्वाद अनुसार है, क्योंकि हमने टिक्की में भी लिया हुआ है तो थोड़ा हमको कमी इसमें लगना है। और अब हम डाल देंगे इसमें रेड चिली पाउडर। तो ये देखिए मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो आप देखिए ये बैटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि कभी कभी बैटर पतला कभी गाढ़ा हो जाता है, तो बैटर का एकदम परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बैटर कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से बैटर बनाएंगे तो आपकी टिक्की बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए अभी ये गाढ़ा है, हम इसमें पानी और डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा पानी और डाल दिया है मैंने, अब हम इसका बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर तैयार होने पे आ गया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए। तो मैं आपको स्पून से भी एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का बैटर अगर आप बनाएंगे तो आपकी आलू टिक्की जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए अब भरता भी तैयार हो गया है और धनिया भी मैंने डाल दिया है इसमें काट के हरे पत्ते का, इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी आलू टिक्की का शेप दे लेती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं चीज़ी आलू टिक्की बना रही हूँ, तो वो एक सस्पेंस है आपके लिए। मैं चीज़ भी बताऊँगी आपको। तो पहले हम अपने भरते को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से और फिर मैं आपको आलू टिक्की का शेप बताती हूँ। तो ये देखिए भरता भी अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसका हम एक पोर्शन उठाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, और हम इसको गोल टिक्की वाला शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको आलू टिक्की का शेप देंगे और इसको अपने हाथ से, तो ये देखिए अपनी हथेली पर रखकर ही हम इसको फैला लेंगे। तो जिस तरीके से हम कचौड़ी का शेप देते हैं ना, इस तरीके से हमको हमारी आलू टिक्की का शेप देना है। ये देखिए, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोज़रेला चीज़, तो वो मैंने चीज़ ले ली है, आप टिक्की वाली चीज़ भी ले सकते हैं। तो अब इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से, ताकि हमारे चीज़ कहीं से भी निकले नहीं। तो एकदम अच्छे से इसे मैश मिक्स मतलब पैक कर दीजिएगा इसको, तो बहुत अच्छी बनेगी। और अब हम इसको देंगे शेप हमारी आलू टिक्की का। तो ये देखिए इस तरीके से गोल करने के बाद हम इसको ऐसे अपनी हथेली पे शेप देंगे और रख देंगे। तो मैं अभी आपको दूसरी टिक्की भी बता देती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बहुत इजी है रेसिपी और बच्चों को बहुत पसंद आती है घर में, तो वही प्रोसेस आपको करना है। इसमें हम चीज़ रखेंगे और इसको अच्छे से हम बंद कर देंगे, ताकि चीज़ हमारी कहीं से भी बाहर नहीं आए। अच्छे से पैक करेंगे इसको और फिर से गोल करेंगे हम इसको। तो ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसको हमारी गोल टिक्की का शेप देंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो टिक्की बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेती हूँ।
तो आप देखिए यहाँ पर मेरी सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं आलू की। तो चलिए अभी हमें एक प्रोसेस और करना है अपनी टिक्की को परफेक्ट बनाने के लिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो बैटर बनाया था वो लिया हुआ है, और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अपनी टिक्की को बैटर में डीप करना है, अच्छे से डीप कर लीजिए, और फिर सीधे हमें ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। तो ये देखिए इस तरीके से, और अब हम जो है हमारे ब्रेड क्रम्स अपनी टिक्की के ऊपर हम ले लेंगे। तो आप एक करछी से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से अपनी टिक्की पर अच्छे से प्रेस कर दूंगी, ताकि हमारी टिक्की पर जो ब्रेड क्रम्स हैं बहुत अच्छे से चिपक जाए। फ्रेंड्स, टिक्की का साइज़ आप अपने हिसाब से या बर्गर के साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे बर्गर बन थोड़े बड़े थे तो मुझे बड़ी टिक्की लेनी पड़ी। तो ये देखिए हमारी टिक्की पे लग गया है ये ब्रेड क्रम्स, कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी बार भी बता देती हूँ। एक टिक्की तो हमारी तैयार हो गई है, फिर से वही प्रोसेस करना है कि टिक्की को हमको अपने बैटर में डाल देना है इस तरीके से, और अब हम इसको उठा लेंगे और अपने ब्रेड क्रम्स में हम डाल देंगे। कोई भी जगह टिक्की की छूटनी नहीं चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे अच्छे से। तो इसको अच्छे से दबा दबा के सेट कीजिएगा टिक्की में ब्रेड क्रम्स। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप टिक्की में ब्रेड क्रम्स लगाइए। तो ये देखिए हमारी दूसरी टिक्की में भी तैयार हो गई है, जिसमें ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए दूसरी टिक्की भी तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं अपनी सारी टिक्कियां तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी टिक्कियां तैयार हो गई हैं। अब आता है हमें इसके फ्राई करने का प्रोसेस। तो चलिए मैंने कढ़ाई अपनी गैस पे गरम होने के लिए रख दी थी, ऑयल गरम होने पे आ गया है। तो चलिए मैं अपनी एक टिक्की डालूँगी, ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसको फ्राई होने देंगे। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसकी एक साइड फ्राई कर लेनी है, जो हमने डाली है नीचे से पूरी गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए, तभी हम अपनी टिक्की को पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से, तो मैंने अपनी टिक्की पलट दी है, और हम दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारी टिक्की का। तो ये देखिए अब मैं अपनी टिक्की को कढ़ाई में से प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए है ना कितनी क्रंची। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी टिक्की भी डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। ये देखिए तेल गर्म ही होना चाहिए, लो मीडियम फ्लेम। जब आप टिक्की डाल देंगे तब आप गैस की फ्लेम लो कीजिएगा। तो हमारी दूसरी टिक्की भी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए मैं इसे भी अपने प्लेट में ले लेती हूँ, ये देखिए। और अब मैं तीसरी भी डाल दूँगी, तो ये हमारी फ्राई होती रहेगी। अब हमारी तैयारी है बर्गर की। तो मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है, गैस पे रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, और बर्गर को मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी मैंने दो स्लाइस कर ली एक बर्गर में से। और अब हमको क्या करना है कि हमें घी डालना है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं घी ज़्यादा पसंद करती हूँ बटर से। तो मैंने यहाँ पे घी डाला हुआ है, घी को हम गर्म होने देंगे, और अपने जो हमारे बर्गर बन हैं जिनको हमने कट कर लिया था, अब हम उसको फ्राई कर लेंगे। मतलब तवे पे रख के इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे घी में, ताकि हमारे बर्गर क्रंची हो जाए। आप चाहें तो दोनों साइड भी सेक सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हो गया है हमारा बर्गर। तो ये देखिए चलिए मैं निकाल लेती हूँ ये, और अब मैं दूसरा बर्गर भी डाल दूँगी स्लाइस कट करके। तो इसको भी हम अच्छे से सेक लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब चलिए अपना बर्गर तैयार करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने बर्गर पे मैं लगा रही हूँ पहले सॉस। आप चाहे तो जो चीज़ मार्केट में मिलती है आप वो भी ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ आती है और तरीके की बटर भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं, बट मैं सॉस ले रही हूँ क्योंकि ये सबके घर पे रहता ही है। और यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटो की स्लाइस रख दी है, आप कैबेज ही भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने रख दिया है ये, और अब मैं अपनी आलू टिक्की रखूँगी। मुझे चीज़ की स्लाइस रखनी थी तो वो मैं चीज़ की स्लाइस रखूँगी और फिर आलू टिक्की रखूँगी, और अब मैं इसके ऊपर अपना बर्गर का पीस रखूँगी। तो ये देखिए बर्गर हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ, ऊपर की जो हमारी बर्गर की पीस है वो लेके भी आप स्लाइस वगैरह रख सकते हैं। तो ये देखिए बर्गर हमारा तैयार हो गया है, दोनों बर्गर। और अब मैं आपको यहाँ पर बर्गर को खस्ता करने का तरीका बताती हूँ ताकि हमारी चीज़ की जो स्लाइस हमने रखी है वो मेल्ट भी हो जाए उसमें अच्छे से। तो ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है, तवे पे घी डाल दिया था मैंने, और हल्का सा हमारा बर्गर भी एकदम नीचे से बहुत कुरकुरा और क्रंची हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ भी पिघलने लगी है, ज़्यादा नहीं पिघलना है मुझे। तो चलिए हमारा बर्गर बन के तैयार हो गया है, आप देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए आप, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।